स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मेजेस्टिक वेडिंग मॉल SYJ कॉम्प्लेक्स चारमीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं खलील फरहाद। स्पीड न्यूज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 30 दिसंबर की 25 अहम खबरें। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की आज 14वीं बरसी पर नया इंकशाफ। फांसी दिए जाने पर रोए थे अमेरिकी फौजी। सद्दाम को ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे ये अमेरिकी फौजी। उस्मानी दौर की आया सूफिया मस्जिद की तरह तुर्क कौम के तमाम अकदार और सकाफत को दिलाई जाएगी असल शनाख्त। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का ऐलान। पिछले 24 घंटों के दौरान दो शदीद जलजलों से दहल गया क्रोएशिया। अब तक 7 लोगों की मौत की खबर। मलबे से लोगों को निकालने का काम है जारी। सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इसराइल ने की एयर स्ट्राइक। इसराइली हमले में एक सीरियन फौजी हलाक जबकि दिगर 3 हो गए जख्मी। यूके में सामने आने वाले कोरोना के नए टाइप दूसरे कंट्रीज में भी होने लगे जाहिर। अब अमेरिकी रियासत कोलोराडो में भी सामने आया एक केस। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की तमाम कंट्रीज से अपील। कोरोना वायरस को हराने के लिए हो एकजुट। 2020 को बताया आजमाइशों, गमों और आंसुओं का साल। कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलाव को रोकने के लिए एविएशन मिनिस्टर ने लिया बड़ा फैसला। यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर लगाई गई पाबंदी 7 जनवरी तक बढ़ाई गई। मरकज की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के फैलाव के डर से रियासतों को नए साल के मौके पर पाबंदियां लगाने पर गौर करने की दी सलाह। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर रियासत में लगाई गई पाबंदियों को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दी। जारी किया सर्कुलर। महाराष्ट्र में सरकार गिराने की ऐसी भी कोशिश। कांग्रेस के बागी लीडर के करीबी विश्वबंधु राय ने कहा एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस को देगी धोखा, खुदकुश साबित होगा अलायंस। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर मंडला रहा है खतरा। गिर सकती है नीतीश की सरकार। जेडीयू के 17 एमएलए इस्तीफा देकर थाम सकते हैं लालू यादव की लालटेन। बीजेपी को मिल रहे हैं लगातार झटके। अब हरियाणा के म्यूनिसिपल इलेक्शन में किसान आंदोलन का दिखाई दिया असर। अपने ही गढ़ में हारी बीजेपी और उसकी दोस्त पार्टी। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को दिया किसानों को लेकर मशवरा। कहा तीनों काले कानून को खत्म करके किसानों को नए साल का तोहफा दे मोदी सरकार। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एतराफ। कहा भारत चीन कशीदगी को हल करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और फौजी सतह की बातचीत से नहीं निकल पाया कोई नतीजा। असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून को करार दिया आईन के खिलाफ। कहा हर किसी को किसी से भी शादी का हक। आंटी अंकल की सरकार बन गई है मोदी सरकार। शाहीनबाग में गोली चलाने वाले कट्टर हिंदुत्ववादी कपिल गुर्जर को पहले बीजेपी ने पार्टी में किया शामिल। मीडिया में खबर आने और खूब तनकीद होने पर कुछ ही घंटों में निकाल दिया पार्टी से। श्रीनगर के मजाफाती इलाके लावेपुरा में मंगल की शाम से सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जारी इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स हलाक। सर्च ऑपरेशन जारी। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों से पूछताछ करने वाली एनसीबी की नजरों से गायब है कंगना रनावत। तो कांग्रेस ने पूछा एनसीबी तफ्तीश के लिए कंगना को कब बुलाएगी। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नौजवान लीडर का गोली मारकर किया गया कत्ल। इलाके में हालात हुए कशीदा। मुश्तैल हामियों ने की तोड़फोड़। इलाके में भारी फोर्स तैनात। साबिक क्रिकेटर असदुद्दीन की चलती कार का निकला टायर। बेकाबू होकर कार ढाबे में घुस गई। हादसे में बाल बाल बच गया अजहर। राजस्थान के मेगा हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट। तेलंगाना के जिला जगतियाल में मिनिस्टर के ईश्वर के आने से पहले हालात कशीदा। टीआरएस और बीजेपी कारकुनों में हुई झड़प और हाथापाई। सीनियर कांग्रेस लीडर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केसीआर को दिया मशवरा सही गलत पर ध्यान देते हुए करें हुकूमत। मौजूदा राज देखकर तो तुगलक भी हो जाता पागल। शराबियों के लिए तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने दी राहत। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 31 दिसंबर की नाइट खुले रहेंगे बार और पब। शहर भर के फ्लाईओवर्स को रखा जाएगा बंद। तेलंगाना के डीजीपी ने पेश किया साल 2020 का रिपोर्ट कार्ड। कहा तेलंगाना क्राइम फ्री रियासत की तरफ गामजन। पिछले साल के मुकाबले जुमला क्राइम रेट में 6% की कमी।
स्कूल्स का दोबारा आगाज किया जाना जितना अहम उतना ही अहम है बच्चों की जिंदगियों का तहफ्फुज। एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी का बयान, कहा स्कूल्स के दोबारा खुल जाने के मुतालिक हुकूमत लेगी जल्द फैसला। बीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा हैं प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चारमीनार।